Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Sahar Chavla right at your service. कार्टिसोल जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है जो कि हमारे गुर्दों के ऊपर लोकेटेड ग्लैंड से ग्लैंसेसिक्रीट होता है इसके ज़्यादा होने की एक्चुअल वजह क्या है और इसका एक्चुअल इलाज क्या है अगर आपको एक्चुअल रूट कॉज पता होगा तो आप उस वजह उस जड़ पे जाके जो है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अदरवाइज तो आप सिम्टम्स ही ट्रीट करते रहेंगे जैसे कॉर्टेसोल ज़्यादा होने का एक टिपिकल सिम्टम यह है कि ऐसे एपलशिप बॉडी हो जाती है बेली फैट हो जाती है बाजू और टांगे पतले हो जाते हैं जो आपका ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है आपका जो बट मसल है उसकी एट्रॉफी हो जाती है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है आपका राउंड मून फेस हो जाता है है, आप कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं बहुत एंगजाइटी में हैं आप बहुत ज्यादा वरी में हैं आपका अनएक्सप्लेन वेट गेन है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही है वो हो रहा है बहुत ज्यादा हो रही है बहुत ज्यादा एलर्जीज हो रही हैं ब्लड शुगर कंसिस्टेंटली रेज रहता है अल्टीमेटली डायबिटीज में तब्दील हो रहा है मसल वेस्टिंग बाजू और टांगों की तो होगी और अल्टीमेटली जाके ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है तो इसकी वजह क्या है एक टर्म है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ग्लूकोकोटिकॉइड रिसेप्टर रेजिस्टेंस मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस पर बहुत बात की है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लड में इंसुलिन के लेवल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जो इंसुलिन का रिसेप्टर है ताला है वो उसको जवाब देना छोड़ देता है जैसे कि एक बच्चा है जिसको पहले तो माँ बाप को तमीज़ सिखानी नहीं आई ठीक है ना और अब आप यानी आपकी गलत आदतों की वजह से आपका स्ट्रेस और आपका शुगर हाई हो रहा है आप इस एग्जाम्पल को ये समझ लें और अब वो इतना डांटते हैं इतना डांटते हैं कि वो रिस्पॉन्स देना ही छोड़ देता है इसी को आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर रेजिस्टेंस समझ लें या इंसुलिन रिसेप्टर रेजिस्टेंस समझ लें कि उसके लेवल्स हाई होते जाएंगे लेकिन उसका ताला जवाब नहीं देगा अब इसकी वजह से जो आपके पास कॉर्टिसोल है उसका नेगेटिव फीडबैक लूप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है यानी नॉर्मली आपके जो ब्रेन का हिस्सा है वहां से सिग्नल निकलना था पिटिटरी ग्लैंड में जाना था और पिटिटरी ग्लैंड से आपके गुर्दों में एडीनल ग्लैंड में जाना था इन तीन लेवल्स पर कॉर्टिसोल की सिक्रीशन होनी थी अब एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल निकलता है और उसके बाद वो फिर जाके हाइपोथेलमस को कहता है कि मैंने ब्लड में काफी

गोलियां खाना शुरू कर दें यू you नो know, आप आ, जो है विटामिन डी ठीक है अच्छी चीज़ें और कैल्शियम के फक्के खा रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने कैल्शियम कॉटिसोल को किस तरह कम करना है उसका इलाज है ग्लूकोकोइड रिसेप्टर एग्निस्ट यानी एक ऐसी चीज जो कि कॉटिसोल के, के रिसेप्टर पे जाके लगे और उसको खोले आपको पता है एग्निस्ट क्या चीज़ें होती हैं ये एग्निस्ट होते हैं अडेप्टोजेनिक हर्ब्स अडेप्टोजेनिक हर्ब्स अल्लाह तला के बनाए हुए वो खाने हैं जो कि एबिलिटी रखते हैं कि वो जिसमें जाके एडिनर ब्लैंड से कॉटिसोल के लेवल्स को रेगुलेट कर सके मर्दों के लिए नेचर का सबसे बड़ा हब अश्वगंधा और शिलाजीत है और औरतों के 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 लिए लिए शतावरी है मेरी ब्रांड चावला ने नाम से एक पाउडर निकाला है जो कि बांझपन के के लिए और के लिए और तो अच्छा है ही लेकिन उसमें मैंने शतावरी अश्वगंधा शोका और आमला डाला हुआ है जो आपके लेवल्स को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं जो मेरे पेशेंट्स इस्तेमाल करें उनकी माशा रातों की नींदें अच्छी हो गई हैं स्ट्रेस लेवल्स कम हो गए हैं आप मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं और जो मर्द हजरात हैं वो भी हारमोलेंस इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा सुपरमैन पाउडर भी लॉन्च किया है जिसमें शिलाजीत रूट और मौजूद है मर्दों का लेवल बूस्ट करता है, लेवल रेगुलेट करता है स्ट्रेस लेवल कम येलो पट्टी में लिंक आ रहा है मेरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स के का, जो वाली है। इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे डब्ल्यू लिखा डब्ल्यू है पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से मेरे प्रोडक्ट्स अप्रूवड है आप ऑर्डर करें मुझे अपनी दुआ में याद रखेंट इन वीडियो तब तक के लिए